वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज इन माय वैनिटी बॉक्स। एंड ये साथ साथ में एक हॉल वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी शादी के लिए जो भी मेकअप लिया था, मेकअप बॉक्स लिया था, वो मैंने कहाँ से लिया था, क्या क्या चीजें मैंने उसमें रखी हुई है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है, बहुत सारी चीजें नहीं रखी, उतनी चीजें रखी जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो हमारी जरूरत के लिए होता है, और बहुत कुछ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी के लिए ना मेरे पास दो बॉक्स है, फर्स्ट वन इज ये, तो ये मैंने जो लिया था अपने लिए वो बॉक्स है, एंड दूसरा जो है वो ये है। तो ये मुझे शादी में मिला था, तो इसमें भी कुछ प्रोडक्ट है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो आपको दोनों में से जो भी सही लगे आप वो ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बॉक्स भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था एंड इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अमेजिंग है। एंड अगर आप छोटा सा कुछ वैनिटी बॉक्स ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको एक चूड़ी के रखने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको कहीं जाना है तो आप इसे आराम से अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत बड़ा सा कुछ भी नहीं लिया, तो इतना लिया है एंड इसमें ये सारे सामान है, बहुत ज्यादा सामान नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको रखूँ, इसको ना आप आराम से यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो, अगर आप इसे लॉक करना चाहो तो, एंड ना लॉक करो तो भी आराम से आप खोल सकते हो। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सामान मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रशेस से। तो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ऊपर के साइड में ये सारे ब्रशेस, तो मैंने बहुत सारे ब्रश नहीं लिए हैं, इतने से ब्रश लिए इतने में मेरा काम चल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा हुआ ये मामाअर्थ का लिप बाम। इसके अलावा मैंने बहुत सारी सेफ्टी पिन रखी हुई है जो कि बहुत जरूरत पड़ती है साड़ी वगैरह पहनने में। एंड इसके बाद मैं एक एक प्रोडक्ट निकालती जाऊंगी एंड आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन से, फाउंडेशन एंड प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने लिया हुआ है NYB का ये प्राइमर। एंड ये सारे प्रोडक्ट ना मैंने थोड़े बहुत यूज भी कर लिए हैं, क्योंकि अभी मेरी शादी को काफी दिन हो गए, तो मैं वीडियो अब शूट कर रही हूँ तो इसमें मैंने काफी सारे प्रोडक्ट यूज भी किए हुए हैं। तो ये है NYB का प्रो प्राइमर जो कि कलर करेक्टिंग का भी काम करता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट शेयर करूंगी ना उन सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर चेकअप कर सकते हैं। ये मैंने लिया हुआ है NYB का 3-in-1 प्राइमर फाउंडेशन एंड सीरम करके ये फाउंडेशन लिया है, जिसमें मैंने शेड लिया हुआ है 12 वॉर्म पर्ल। एंड ये मेरे स्किन टाइप से थोड़ा सा लाइट है, एक्चुअली मैंने देखा था तो मुझे बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे पहले जो मैं ट्राई करती थी ना वो मुझे काफी अच्छा लगा था, वो मैंने बहुत ढूंढा पर बिल्कुल भी मुझे मिला। तो ये था NYB का शेड 7 एंड ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपकी स्किन ना ड्राई है, जैसे मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा ये ना थोड़ा सा आपको इसे मॉइस्चर वाला भी इफेक्ट देता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। इससे पहले मैंने एक और फाउंडेशन ट्राई किया था, आई थिंक फिटमी का, जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा से ड्राई हो जाती थी मेरी स्किन। तो इसके लिए मैंने ये वाला ट्राई किया एंड बहुत अमेजिंग है। तो NYB का फाउंडेशन जो है ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने शेड लिया है, बट ये मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है, बट मैच हो जाता है अगर इसके साथ में मैं कोई और फाउंडेशन मैच कर मिक्स करके लगा देती हूँ। तो अगर आप इसे ले रहे हो ना तो आप अपना एक शेड ट्राई कर सकते हो। शेड में क्या होता है ना, ऑनलाइन बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता है शेड मुझसे, लेकिन फिर भी ये मेरे काम आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई शेडो पैलेट की। तो आई शेडो पैलेट जो है वो है ये NYB का, एंड इसको मैंने अभी ज्यादा यूज नहीं किया हुआ है, थोड़ा बहुत ही यूज किया हुआ है। तो ये मुझे कोलाब में आया था तो रखा हुआ था, तो इसमें मुझे सारी नई नई प्रोडक्ट जो है वो रखने थे, तो इसके लिए मैंने इसको रख लिया। एंड इसके अलावा मेरे पास दो और चीजें आई थी कोलाबरेशन में ही, वो थी ये हाइलाइटर। तो ये इनकी पैकेजिंग वगैरह भी मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि मैं हाइलाइटर वगैरह बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही थी, तो ये भी अभी बिल्कुल वैसे ही पैक्ड है। तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो मेकअप होते हैं ना प्रोडक्ट, NYB के जितने भी प्रोडक्ट मैंने आज तक ट्राई किए हैं ना, ये मुझे डेली बेसिस पे जो मेकअप होता है उसके लिए मुझे बहुत सही लगते हैं। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो अपने रेगुलर मेकअप के लिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सेम दोनों हाइलाइटर मैंने इधर रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने एक और हाइलाइटर लिया है जो कि है स्विस ब्यूटी का,
वो ये है, तो ये मैं यूज करती हूँ इसको एज अ आई शेडो पैलेट भी यूज कर लेती हूँ, एज अ हाईलाइटर भी यूज कर लेती हूँ। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अमेजिंग है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने रखा हुआ है इसमें रेजर जो कि है फेशियल रेजर, इसको मैंने लिया हुआ था कार्मेसी से। एंड इसका इसमें ना आपको दो मिल जाते हैं, एक तो ये फेस के लिए, दूसरा ये आईब्रोज के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आज जैसे सैलून जाने का टाइम नहीं मिल पाता, तो ये ना हमारे बहुत काम आता है इमरजेंसी के लिए, कि अगर आप आईब्रोज नहीं बनवा पा रहे हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। एंड इसको मैंने अभी सिर्फ एक बार ट्राई किया है एंड मुझे काफी अच्छा लगा, बट इसको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो ट्राई करो, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे बहुत ज्यादा काम के नहीं है, थोड़ा बहुत काम की है, तो उसके लिए मैं रखती हूँ कि इमरजेंसी में मुझे काम आ जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये बिंदी, क्योंकि बहुत काम आती है। अब इसमें से मैंने लगा ली है 3-4। एंड इसके बाद है ये, हाँ ये है सिंदूर जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है, तो आप लिक्विड वाला भी ले सकते हो या फिर आप सूखा सिंदूर भी ले सकते हो, आप जैसा भी ट्राई करना चाहो। एंड इसके अलावा मैंने इस पे रखा हुआ है, ये मैं बहुत इधर उधर करके चीजें दिखा रही हूँ, तो जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं वो दिखा रही हूँ। तो ये मैंने लिया हुआ है फेसेस कनाडा का ये बेड पाइप, जो कि मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत जरूरत होती है, क्योंकि दिन भर मेकअप रहता है तो रात को सो नहीं सकते ना, तो रिमूव करने के लिए बहुत काम आता है। इसके अलावा मैंने लिया हुआ है ये कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैंने लिया हुआ है फिटमी से, इसको मैंने अभी बहुत यूज नहीं किया क्योंकि मैं कॉम्पैक्ट यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉम्पैक्ट उतना मैं यूज नहीं करती हूँ, बट मैंने सोचा इसमें पूरा मेकअप रख रहे हैं तो कॉम्पैक्ट भी रख दें, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है एंड बहुत ही वैसे प्रोडक्ट नहीं है, जो हमें जरूरत होती है बस उतने ही है। इसके अलावा मैंने एक मॉइस्चराइजर रखा है जो कि है ये सेटाफिल का, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और ये खत्म भी हो चुका है। एंड उसके बाद हाँ लिपस्टिक्स, लिपस्टिक के लिए मैंने बहुत सारी लिपस्टिक ले रखी है, तो फर्स्ट जो है वो है ये मामाअर्थ की, तो ये मुझे कोलैब में आई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी एंड अभी मैंने इसको यूज भी नहीं किया हुआ है। दूसरी जो है वो है ये स्विस ब्यूटी की ये लिपस्टिक, एंड इसका शेड जो है वो 48 है एंड ये डार्क मरून शेड जो होता है ना कुछ वैसा शेड है इसका। ये कुछ ऐसा शेड है इसका, बिल्कुल डार्क मरून है। एंड इसके बाद जो है वो है मेरा फेवरेट, वो है ये न्यूड कलर की लिपस्टिक जो कि है एन बार्बी की। एंड ये न्यूड शेड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्राउन स्किन टोन के लिए ना न्यूड लिपस्टिक मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने इतनी सारी लिपस्टिक मंगा रखी है न्यूड, एंड उसको लगाने के बाद ना आपको पता ही होगा क्या होता है। तो ये वाली जो लिपस्टिक थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो है एन बार्बी की ये है सीक्रेट 15, तो आप इसे ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, जो कि ये मैंने एक साथ 3 लिए थे, तो मैंने इसमें एक रखे हुए, 2 मैंने दे दी दान में। एंड एक लिपस्टिक मैंने ये ली हुई है फेसेस कनाडा की, जो कि इसका शेड है मरून 08 एंड इसका भी मुझे कलर काफी अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा रेडिश मरून टाइप का है। तो इसमें मैंने एक न्यूड ले ली, एक डार्क मरून ले ली एंड एक ये थोड़ा रेडिश मरून ले ली, जिससे तीनों कलर जो होते हैं ना शादियों में जो साड़ियां होती हैं जो मेकअप करते हैं उसके साथ में काफी अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने इसको ये 3 लिपस्टिक ली हुई थी। इसके अलावा मैंने एक लिप टिंट लिया हुआ है, जो कि ऐसे रेगुलर हमारे काम काफी आता है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, अपने लिप्स पे कर सकते हो, अपने चीक्स पे कर सकते हो, इसको आप बिना मेकअप के भी लगा सकते हो, काफी अच्छा लगता है, जैसे गुलाबी गुलाबी टाइप। एंड इसके बाद मैंने लिया हुआ है एक आईलैशेस कर्लर, बहुत जरूरी होता है एंड नहीं होता है, आप अपने तरीके से देख सकते हो। एंड दूसरा जो है वो है ये कंसीलर, तो ये जो है ऑरेंज कलर करेक्टर कंसीलर है, जो कि मुझे बहुत काम आता है। इसके बाद ना इसको लगाने के बाद जब मेकअप करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फेस पे काफी अच्छा सा पूरा जो स्किन है वो हमारी इवन टोन हो जाती है एंड दिखने में भी काफी अच्छी लगती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसको ना आप, आपके पास अगर लाइट शेड का फाउंडेशन है या फिर कंसीलर है उसमें मिक्स करके आप लगा सकते हो अपने स्किन टोन को मैच करने के लिए। एंड इसके बाद मैंने लिया हुआ है ये एन बार्बी का मस्कारा। एन बार्बी का जो मस्कारा होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो कर्ल होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, ये मुझे काफी अच्छा लगता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो एक बार।
एंड ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक नेल पेंट रखी हुई है, एंड दूसरी जो है वो नेल पेंट है, तो नेल पेंट रिमूवर भी होना चाहिए। एंड ये नेल पेंट रिमूवर ना तो आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि ये बहुत काम आता है। वैसे बैठ के थिनर से उसको छुड़ाने से अच्छा है आप इसको लो, डिप करो, ट्विस्ट करो एंड आपकी नेल पेंट रिमूव। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। एंड इसके बाद मेरे पास है परफ्यूम, तो ये मैंने लिया हुआ है सीक्रेट टेम्पटेशन का ये परफ्यूम, जो कि इसकी स्मेल मुझे काफी अच्छी लगती है एंड स्पेशली इसका जो कलर है ना, ये मेरा फेवरेट कलर है इसलिए और ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा मैंने एक लिया हुआ है ब्यूटी ब्लेंडर, इतने सारे मेकअप करने हैं तो ब्लेंडर की तो जरूरत पड़ेगी ना। उसके बाद ये हो गया है खाली, ये आप देख पा रहे हो। ओके, तो ये था मेरा वैनिटी बॉक्स। इसके अलावा दूसरा जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, वो है ये वाला। तो ये मुझे शादी में मिला था, इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिंक मेरे पास है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें निकली है कॉम, एंड उसके बाद है ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो कि है, इसकी ना पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लग रही थी, ये आप देख पा रहे हो। इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे काफी अच्छी लग रही थी, एंड इसको हम ओपन करके देखते हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बर्बाद नहीं करने हैं, इसे बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं आता है ना। तो इसको मैंने एक बार ही यूज किया है एंड इसकी मुझे फिनिशिंग वगैरह अच्छी लग रही थी, ऐसे बहुत चिपचिपा सा या फिर हैवी सा कुछ नहीं लग रहा था, बिल्कुल लाइट वेट ये प्राइमर है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद है एक आई शेडो पैलेट है, तो बहुत सारे कलर है कलरफुल आईज बनाने के लिए, जो कि मैं बनाती नहीं बिल्कुल भी। एंड उसके बाद इसमें रखी हुई है बिंदी, दो बिंदी रखी हुई है। एंड इसके बाद है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, इसका शेड जो है वो है 04 मीडियम बीच, एंड हाँ इसमें एक ही है ये कंसीलर। इसको मैं यूज कर चुकी हूँ, आई थिंक स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए हैं, तो ये कंसीलर भी ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ में ही जाएगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा लाइट है। एंड इसमें ज्यादा प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किए हुए अभी तक। इसके बाद है ये मस्कारा, तो इसमें जो जो प्रोडक्ट के लिंक मुझे मिलते जाएंगे ना वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आई थिंक सारे प्रोडक्ट के लिंक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये है इसमें मस्कारा एंड इसमें ना लाइनर भी है, इधर मस्कारा है एंड इधर से लाइनर, एक पंथ दो काज टाइप काम है ना इससे, ये सही है। एंड इसके बाद है फाउंडेशन, तो ये है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन जिसका शेड है 02, जो मेरे शेड से बिल्कुल भी अलग है, ये अभी बाहर से आपको दिख रहा होगा। तो इसका शेड ना बहुत ज्यादा वाइट है, आई थिंक थोड़ा सा पिंक शेड में है, ये कुछ इस तरीके से इसका शेड है जो कि मेरे शेड से बहुत ज्यादा लाइट है, तो आई थिंक इसको मिक्स करके लगाना पड़ेगा, ऐसे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट शेड है। इसके बाद है एक रेड कलर की लिपस्टिक, क्योंकि ब्राइड का वैनिटी बॉक्स है एंड रेड कलर की लिपस्टिक ना वैसा हो सकता है, तो ये है रेड कलर की लिपस्टिक। एक है काजल, उसके बाद रेड नेल पेंट, उसके बाद है ये आईब्रो पेंसिल एंड ये है लाइनर अलग से भी है और एक लिप लाइनर है। इसके बाद बहुत सारी सेफ्टी पिंस है और हाँ ये है क्या है, हाँ ये मेकअप रिमूवर है, इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं करा हुआ है। एंड इसके बाद जो है वो है ये कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि है स्विस ब्यूटी का, इसमें आई थिंक दो है, हाँ इसमें दो है, एक तो ये है जो आप डे के लिए यूज कर सकते, दूसरा जो है वो है ये तो बंद हो गया, दूसरा जो है वो थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट में है तो इसे आप नाइट के लिए यूज कर सकते हो। ये इसकी पैकेजिंग वगैरह मुझे काफी क्यूट लग रही है, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था। इसमें जितने भी प्रोडक्ट के लिंक मिलते जाएंगे वो मैं आपको नीचे टैग करती जाऊंगी। और इसके बाद क्या बचा है, हाँ एक ये है मेकअप फिक्सर जो कि है किस ब्यूटी का। ओके, तो ये हो गया खाली,
अभी इसमें एक दो प्रोडक्ट थे जो मैंने खोले नहीं, अभी आपको दिखाए थे, वापस से रख दी। तो ये था मेरा वैनिटी बॉक्स, तो आपने इन्हें दोनों को देख लिया है। अगर आप अपना वैनिटी बॉक्स बनाना चाहते हो तो आप इस तरह के प्रोडक्ट रख सकते हो। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी काफी अच्छे लगते हैं, वैसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। एंड बाइबी के प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। अगर आप एक रेगुलर मेकअप के लिए आप एक बॉक्स तैयार कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप एक प्रोफेशनल हो, आप अपने रेगुलर मेकअप के लिए बॉक्स बना रहे हो तो आप उसमें अफोर्डेबल चीजें भी रख सकते हो और बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखने की जरूरत है। जो जरूरत की चीजें हैं आप वही रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें रख लिए। शादी है तो ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, पूरा भर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शादी है फिर भी आराम से हमें जो जरूरत की चीजें होती है वही रख लेनी चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो एंड थोड़ा बहुत ज्ञान। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गंदी ज्योति। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक लेटे केयर, बाय बाय।